नमस्कार दोस्तों, घर बनवाने में ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। दोस्तों अभी जो ये पतली सी लाइन देख रहे हैं ना, ये समय के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने मेहनत के कमाई से घर बनवा रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो सही आउटपुट लेने का आपको पूरा अधिकार है। ऐसे में देख सकते हैं दोस्तों, लिंटेल लेवल पे देखेंगे दोस्तों बीम बकायदा दिया हुआ है, ठीक है। सिल लेवल पे भी देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है वो एक RCC बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सिल लेवल पे बैंड दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये प्लिंथ लेवल पे देखेंगे दोस्तों तो प्लिंथ लेवल पे भी आपको RCC बैंड देखने को मिलेगा, लेकिन प्लिंथ लेवल से नीचे देखेंगे दोस्तों तो 5 फीट का जो दूरी है उसके बाद में एक आपको जो है वो ग्राउंड बीम देखने को मिल रहा है। ग्राउंड बीम वाला काम बिल्कुल सही है, ठीक है। सिल लेवल पे काम बहुत सही किया गया है, लिंटेल लेवल पर दोस्तों काफ़ी सही काम है, और फ्लोर ढालते समय दोस्तों फ्लोर बीम तो दिया ही जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है दोस्तों, उसका क्या रीज़न है और साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से उस चीज़ से बचा जाए। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ दूसरे के गलतियों को देखना या दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे क्या सीखने को मिलता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, नीचे अगर आप ग्राउंड बीम देते हैं, ठीक है, प्लिंथ लेवल तक यानी कि फर्श के लेवल तक, दोस्तों जाहिर सी बात है आप फिलिंग करेंगे, मिट्टी का भराव करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अंदर की तरफ दोस्तों बिल्कुल जो है वो आपने मिट्टी का भराव कर दिया, बाहर की तरफ एकदम से दोस्तों इस तरीके से खाली जगह है, मिट्टी का अपना एक लोड होता है दोस्तों, और बीच में कहीं भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बीच में अगर कहीं भी सपोर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मिट्टी जो है वो एक तरफा लोड बाहर की तरफ लगा रहा है, और ऐसे में क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक जो बीम दिया हुआ है ना, अगर आपका प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ बीम हम देते हैं दोस्तों, वो अगर 3 फीट के अंदर है, मैक्सिमम 3.5 फीट तक दोस्तों है, तो आप इस तरीके से बैंड से काम चलवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस वाले बीम के कंप्रेशन जोन से अगर आप मेजरमेंट लेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ लेवल के बॉटम पे, तो आप पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे 5 फीट का जो है वो जगह है, ठीक है। ये 5 फीट का जगह है, और 5 फीट के जगह में दोस्तों कोई भी ना तो बैंड दिया गया है और ना ही तो बीम दिया गया है, जबकि दोस्तों 3.5 फीट से जैसे ही मिट्टी भराव आपका क्रॉस करता है, आपको दोस्तों एक टाई बीम देना है। टाई बीम किसको कहते हैं, जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में टाई हो, ठीक है, उसको टाई बीम कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अगर ज़रूरत है तो बीच में एक कम से कम दोस्तों यहाँ पर बीम होना ही चाहिए था, नहीं तो दोस्तों आने वाले समय में इस तरीके से दोस्तों दीवार पर क्रैक्स आने से दिक्कत क्या आती है, समझ लीजिए। दीवार पर क्रैक्स आता है, दीवार तो आपका इधर क्रैक मार ही देगा, साथ ही साथ दोस्तों जो अंदर में आपने मिट्टी का भराव किया है वो नीचे धंसेगा, आपने फ्लोरिंग करवाई है, टाइल्स करवाई है, सब नीचे की तरफ धंसने लगेंगे, और ऐसे में आपको फिर से जो है वो फ्लोरिंग करवाने का खर्चा दोबारा से करना पड़ता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपका घर अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छी बात इस वीडियो से ये है दोस्तों कि आप अपने यहाँ ये गलती मत करवाइएगा, ठीक है। ये DPC से या फिर जो RCC बैंड है उनसे 3.5 फीट का जगह को मैनेज किया जा सकता है, इस तरीके से 5 फीट 6 फीट हो जाता है, फिर बीम देना ही काफ़ी सही है। बाकी जगह आपने बैंड दिलवा रखा है, बीम दिलवा रखा है, ऊपर आपने जो है वो बीम दिलवाने का प्लानिंग है, तो इस तरीके से मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपका आउटर वॉल बाहरी वाला दीवार दोस्तों 10 इंच का है, तो इस तरीके से सील लेवल पे ये जो RCC बैंड है ना, इसको स्किप किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी रूम में खाली जगह, बाहर भी खाली जगह, ठीक है। लेकिन एक तरफ मिट्टी का भराव है, दूसरे तरफ मिट्टी का भराव नहीं है दोस्तों, ऐसे में क्रैक का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं उसको सीखना चाहिए और अपने साइड पर उस गलती को नहीं करना चाहिए। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।